श्री गणेशाय नमः। गणेश चतुर्थी हर मास आती है। कुछ गणेश चतुर्थी बहुत खास भी होती हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी अष्टविनायक के दिन प्रारंभ होते हैं। 8 दिन के लिए गणपति बाबा मौर्या, हर बरस तू जल दिया, अब के बरस तू बहुत जल दिया। मगर कलंक चतुर्थी भी कहते हैं। कलंक चतुर्थी यानी कि इस दिन अगर चंद्रमा को देख लिया जाए तो दोष लगता है, ये वो चतुर्थी है। भाई इसकी कथा बड़ी प्रचलित है कि 22 तारीख को पहले तो ये पड़ेगी, शनिवार को 2020 में। इसकी कथा में है कि गणपति बाबा को देखकर चंद्रमा ने अपनी सुंदरता के अभिमान में उपहास कर लिया था, तो चंद्रमा को श्राप दे दिया था गणेश जी ने, तो तुम्हें देखने से तुम्हारे मुखारबिंद को जिस पे तुम अभिमान करते हो तो उसको चोरी का कलंक लग जाएगा। तो इसलिए ये कलंक चतुर्थी भी कहती हैं। भगवान कृष्ण को भी लग गया था ये, उनकी कथा तो बहुत प्रचलित है। शत्राजित नामक राजा जो थे, शत्राजित यादव राजा थे, उन्होंने सूर्य की कठोर तपस्या की। सूर्य नारायण ने उनको प्रसन्न होकर सैवंतक नामक एक मणि दी। ये मणि 8 भार सोना देती थी, सब कुछ देती थी ये बड़ी। और इस मणि को भगवान कृष्ण ने उनसे मांगा, उन्होंने भगवान को नहीं दी, ये लोभ करा, बल्कि अपने छोटे भाई प्रसन्नजीत को दे दी। प्रसन्नजीत ये गले में डालकर मणि जंगल में शेर का शिकार करने चले गए। शेर से उनका विशाल युद्ध हुआ, मारे गए। अंत में शेर से ये जामवंत जी ने मणि ले ली, जामवंत जी के पास चली गई। जब भगवान कृष्ण को ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि भाई हो ना हो ये मांगने आए थे, मेरे भाई की हत्या भी हो गई और भगवान कृष्ण ने ही ये मणि ले ली, तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि ये दोष मेरे ऊपर मर दिया तो मैं जाकर इसकी खोज करता हूँ। तो भगवान कृष्ण ने मणि ढूंढी, मणि नहीं मिली, जगह जगह ढूंढते रहे, उनके भाई के पदचिन्ह मिले, शेर के पदचिन्ह मिले, फिर अंततः शेर से जब युद्ध हुआ तो पता लगा शेर का युद्ध कहाँ हुआ, उसके पदचिन्ह ढूंढते हुए गुफा में गए, वहाँ जामवंत जी से उनका 27 दिन तक युद्ध चला। और युद्ध के पश्चात जब जामवंत को ये पता लगा कि ये ठाकुर हैं, तो उन्होंने जामवती से उनका विवाह किया और उपहार में वो मणि भी फेंट दी। वो मणि ले जाकर फिर जाकर भेंट दी, तो मणि ले जाकर शत्राजित को समर्पित कर। कहने का तात्पर्य है कि एक चंद्रमा के देखने से अगर इतना बड़ा दोष लगता है तो चंद्रमा को इस दिन नहीं देखना चाहिए। अगर कोई जाने अनजाने में देख लेता है तब क्या करें। इन कथाओं को सुनने से दोष खत्म हो जाता है। गणपति की आराधना करें, गणेश स्त्रोत्र पढ़ें, गणेश चालीसा पढ़ें और अष्टविनायक के दिनों में गणपति को अपने घर में विराजें तो ये दोष कम होता है। तो जब आप घर में विराजेंगे, उनकी उपासना करेंगे तो दोष आपका कम होगा। 2 दिन के, 4 दिन के, 8 दिन के, जितने दिन के भी आप लाना चाहते हैं गणेश जी अपने घर में लाएँ, अपने घर के ईशान में उन्हें स्थापित करें, सुंदर मंडप बनाएं और उसके पश्चात गणेश जी की आराधना पूजा करने से आपके कई प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलती है। यहाँ तक कि कलंक चतुर्थी पर अगर आपसे चंद्रमा भी देख लिया गया हो तो उससे भी आपको मुक्ति मिलती है। श्री गणेशाय नमः। धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें धर्म.tv और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के आइकन पर क्लिक करें।